हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल MLM राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हमारा जो है व्लॉग्स वाला चैनल की शुरुआत हो चुकी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हमारे चैनल का नाम है RS व्लॉग्स, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ फूड के कंपटीशन वगैरह चैलेंजेस हम कर रहे हैं, कुछ गेम प्लेइंग के चैलेंजेस कर रहे हैं, मतलब हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से आपको हैप्पीनेस मिल सके। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस चैनल के ऊपर एक गिव अवे भी हम लेके आने वाले हैं अगले महीने में। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंक क्वाइन के बारे में, यानी कि VIN के विंक क्वाइन, जिसने मैं अगर बात करूं तो मई जून के महीने से पहले बहुत अच्छी ग्रोथ दी थी और लोगों ने बहुत शानदार प्रॉफिट वहाँ से बुक किया था। लेकिन मैंने जो लास्ट वीडियो थी मई और जून के महीने में, तो उसमें मैंने एक वीडियो में लास्ट वीडियो में यही बात बताई थी कि विंक क्वाइन का जो प्राइस है वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, वो डिपेंड करेगा ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर विंक क्वाइन का प्राइस 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे जाएगा क्या। तो लास्ट में जब बियर मार्केट की शुरुआत हुई थी, तो शायद मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया था कि वो डिपेंड करेगा मार्केट और ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर। अगर मार्केट में बुल देखने के लिए मिला तो प्राइस ऊपर जाएगा, अदरवाइज जो इसका प्राइस है 5 से 10 पैसे के समथिंग ही रहेगा। तो अभी प्राइस चल रहा था 2 पैसे, 2.5 पैसे, 3 पैसे, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले से जैसे ही बुल रैली की शुरुआत हुई और बिटकॉइन ने अपना 35-36 लाख को टच किया, उसमें बहुत अच्छा उछाल देखने के लिए मिला और अभी जस्ट करंट 5 पैसे, 5.5 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में आज सारी चीज़ों को देखेंगे, इसका प्रिडिक्शन क्या होने वाला है, विंक क्वाइन कितना जा सकता है, क्योंकि अभी शायद नवंबर के महीने में एक NFT इवेंट इसका होने वाला है, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका प्रिडिक्शन क्या रहेगा, इस महीने के लास्ट तक कितना जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो मैं आपको ले चलूंगा ट्रेडिंग वॉल्यूम के, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, उसके साथ साथ क्वाइन मोमो के ऊपर। तो मैं आपको वहाँ पर सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, इसके ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट पर लेकर चलूँगा जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और ट्रेडिंग व्यू पर देखेंगे इसका प्रेडिक्शन करके। तो मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं विंक क्वाइन को, और उसके बाद देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन। तो ये लीजिए, मैंने कर लिया विंक क्वाइन सर्च और सबसे ऊपर आ चुका है। और यहां पर आप देखेंगे कि विंक क्वाइन की जो रैंकिंग है 111 नंबर पे दोस्तों अभी रैंक कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप 111 नंबर पर रैंक कर रहा, अभी थोड़ा सा 1% के समथिंग अभी डाउन है 24 आवर्स में। और यहाँ पर नीचे हम चले गए इसके साइट के ऊपर, एक्सप्लोर लिंक्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और इसकी जो साइट है यहाँ पर एक बार चल के देख लेते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट है या नहीं। बाकी फिर चलेंगे हम ट्विटर पे, उसके बाद चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और सारी चीज़ों को आज जानेंगे और देखेंगे विंक क्वाइन का प्राइस और क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है। तो चलिए मैं ट्विटर पर चल जाता हूँ। तो मैं ट्विटर पर क्लिक करता हूँ, सॉरी रेडिट पर क्लिक हो गया था, तो ट्विटर पर क्लिक कर दिया मैंने। तो सबसे पहली ही न्यूज़ आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर ये अपना विन इज नाउ लिस्टेड ऑन नियरली 30 एक्सचेंज, चूज द फॉलोइंग एक्सचेंज यू प्रेफर टू ट्रेड। दोस्तों लगभग 30 एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है विन क्वाइन। और यहाँ पर मैं 2 दिन पहले की कुछ न्यूज़ दिखा दूँ, 3 दिन पहले की देखिए, 30% की ग्रोथ ली थी इसने, सीधा यहाँ से पंप लिया था, ऊपर तक गया था। और अगर मैं इससे पीछे चलता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थर्ड बिगेस्ट गेनर क्वाइन बन गया था दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला जो था SFT क्वाइन था, ओपन ओशियन था, विंक क्वाइन का नंबर 3 नंबर पर रैंकिंग आ रही थी दोस्तों, जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ ली थी। अगर मैं यहाँ पर 3 दिन पहले की न्यूज़ दिखाऊँ तो सिर्फ 24 आवर्स में 18% की ग्रोथ इसने दी थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि विंक क्वाइन का जो प्राइस है बहुत ऊपर जाने की उम्मीद हो सकती है, और ये डिपेंड करता है TRX और BTT के ऊपर भी, क्योंकि ये तीनों क्वाइन का जो है एक ही लिंक है, एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, और ट्रॉन सबसे पहला इकोसिस्टम बन चुका है। तो विन क्वाइन की मैं अगर बात करूँ, वैसे तो हम प्रिडिक्शन करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल के लास्ट तक आपको आराम से ये 20 पैसे लेकर 30 पैसे, 40 पैसे भी जाता हुआ मिल सकता है दोस्तों। बाकी देखिए, मैं आपको पहले ही बताता था, फिर से बोल रहा हूँ एक चीज़ कि जो छोटे क्वाइन होते हैं ये लॉन्ग टर्म के होल्ड के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड अगर आप कर सकते हैं तो ही आप लीजिएगा, ताकि आपको 1-2 महीने में अगर लॉस दिखे तो आप घबराए नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए क्वाइन होते हैं, जैसे शिबा हो गया, BTT हो गया, विन हो गया, बहुत सारे क्वाइन ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए एक बार क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर भी इसका देख लेते और फिर चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्वाइन मार्केट कैप पे विन को दोबारा से सर्च कर लेता हूँ, और ये आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, लोडिंग डाटा चल रहा है अभी,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इसका अभी 23% अभी डाउन है ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। अभी करंट प्राइस ये चल रहा है, 24 आवर्स में चेंजेस इतना हुआ है दोस्तों, ठीक है। रैंकिंग आप देख सकते हैं 111 नंबर की, मार्केट डोमिनेंस 0.03% है। मार्केट कैप अभी देखिए लगभग 1% के समथिंग डाउन चल रही है। फुल्ली ड्यूरेटेड मार्केट कैप जो है इसकी 19% की ग्रोथ पर चल रही है अभी, ठीक है। नीचे यहाँ पर हम देखेंगे तो जितने भी एक्सचेंज है हमारे वो यहाँ पर पता चल जाएगा किस किस एक्सचेंज पे ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने लोडिंग कर दिया, तो देखिए इतने सारे एक्सचेंज पे ये अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हो उस पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, तो एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर सारे दिखाया हुआ है, एक्सचेंज का दिखा दिया, उसके बाद यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट इनकी जो होती है वो यहाँ पर मिल जाती है आपको, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम जाकर देखते हैं इसका प्रेडिक्शन। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और मैंने यहाँ पे देखिए विन का जो चार्ट है उसको ओपन कर लिया है, और मैंने ये विन जो है बाइनेंस का चार्ट ओपन किया है। करंट प्राइस आप देख सकते हैं 0.00789 के समथिंग चल रहा है, और यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेड लाइन लगाई है, तो ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड में, यहाँ पर एक घंटे का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर अप ट्रेंड में इस तरीके से चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ से चलता हुआ नजर आया था, थोड़ा इसने ब्रेकआउट अप ट्रेंड यहाँ पर क्रॉस किया था ट्रेंड लाइन को, लेकिन थोड़ा सा अभी ब्रेकआउट करके नीचे आया हुआ है ये। तो अभी यहाँ पर प्राइस चल रहा है, तो दोस्तों अगला सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है 0.00872 5, उसके बाद मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ 0.00961 7, यहाँ पर ये इसके सपोर्ट लेवल बने हुए हैं। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो प्राइस हमें इसका 0.00600 के समथिंग देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन नीचे आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको अगले सपोर्ट लेवल बता दूँ यहाँ पर, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये लीजिए मैं छोटे कर लेता हूँ, ये सारे सपोर्ट लेवल इसके बने हुए हैं, यानी कि आपको 0.00780 0.87 0.87 0.96 0.10 0.11, ठीक है। यानी कि 0.00777 से लेकर के दोस्तों इसका प्राइस 0.0015 तक मिल सकता है। डिपेंड करेगा सपोर्ट लेवल के ऊपर, डिपेंड करेगा मार्केट वॉल्यूम के ऊपर, डिपेंड करेगा आपके ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। सपोर्ट लेवल ब्रेक करता जाएगा तो प्राइस ऊपर जाता जाएगा, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है इस तरीके से, अभी देखिए ये बना हुआ, देखिए तो अगर यहाँ से ये ब्रेक करके डाउन आता है, इसको ब्रेक कर देता है ये जो लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ से हमें नीचे मिल सकता है 0.00065 पर आता हुआ। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक करता है इस वाले को, और यहाँ पे ट्रेड करता हमें नज़र आता है इस वाली में, तो 0.00087 हमें प्राइस इसका मिल जाएगा। उसके बाद 96 के लिए सपोर्ट मतलब जोर मारेगा और प्राइस आता जाता मिलेगा। लेकिन फिर से मैं आपको चीज़ बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन बहुत अच्छा है, आने वाले एक साल में दोस्तों 1 से 2 साल में प्राइस इसका 1 रुपये से लेकर 2 रुपये तक भी जा सकता है, डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, फिर से वही बात बोलूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको आप होल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, थैंक यू सो मच।